वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु, हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आशीष जी बने हुए हमारे साथ, तो चलिए हमारे अगले कॉलर विशाल मेहरोत्रा साहब आ गए हैं जो कि मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। विशाल जी स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे आज? हेलो सर, मेरा नाम विशाल मेहरोत्रा है जी। मैं पवई में किराए पे रहता हूँ, मैं 1 BHK में रहता हूँ मैं। ओके, मेरा वर्क लोकेशन भी अभी पवई ही है, बट मैं अभी ड्यू टू फैमिली एक्सटेंशन की वजह से मैं मतलब 2 या 3 BHK देख रहा हूँ मैं। मेरा मतलब बजट लगभग अराउंड 2.5 CR है, एंड मेरा मैं चाह रहा हूँ कि मेरा घर जो मैक्सिमम पोजीशन मुझे 2 या 3 साल में उसका मिल जाए। ओके, और एरिया जो मैं देख रहा हूँ कारपेट एरिया वो लगभग समथिंग अराउंड 650 से 700 अबव ही देख रहा हूँ। एंड एरियाज जो मैं देख रहा हूँ कि मैं मतलब प्रेफर करूंगा वैसे अगर पवई में हो सके तो, बट मतलब मैं थाने या वेस्टर्न लाइन्स में भी अगर कोई एरिया है जिनमें मुझे ये कारपेट एरिया मिल सकता है तो मैं वो भी फिजिबल ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं आप प्लीज। ठीक है, 2.5 करोड़ में इतना मुश्किल नहीं है कि आपको एक 700 स्क्वायर फीट या उसके आसपास का कोई 2 BHK मिल जाए, इधर इन पवई या फिर वेस्टर्न सबर्ब्स में। आप ठाणे भी उसके लिए ओपन हैं और दो तीन साल आप इंतज़ार भी कर रहे हैं, लेट्स सी क्या अवेलेबल हो सकता है। तो आशीष जी, क्या इनको इनकी चॉइस की प्रॉपर्टी मिल सकती है इस बजट में इन लोकेशंस पर? विपिन जी, मेरे हिसाब से पवई में जो काम कर रहा है उसके लिए थाने एक आइडियल डेस्टिनेशन बन जाता है अगर बजट का कंस्ट्रेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली पवई काफी एक्सपेंसिव हो चुका है। और फिर भी जैसे यू नो इवन थाने के रास्ते में एरियाज आते हैं, मुलुंड कांजूरमार्ग काफी डेवलप हो गया है, पवई से काफी पहले आता है थाने की। लेकिन अट्रैक्टिव बात यह है कि थाने एक अलग से एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर है और उसका लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे से डेवलप हो रहा है, तो वहां पे इनको इस स्क्वायर फीट में या इससे ऊपर हायर स्क्वायर फीट साइज के फ्लैट्स भी मिल जाएंगे। और लीडिंग ब्रांड्स जैसे कल्पतरू है या शापूजी पालम जी है, शेट ग्रुप है, यू नो काफी सारे डिफरेंट चॉइसेस और ठीक ठाक भाव में इनको मिल जाएगा। और थाने एक ग्रोइंग मार्केट है और एप्रिसिएशन में भी हर चीज में, अगर ये थाने तक कम्यूट करने में ओके हैं तो पवई से मैं तो इनका नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा टफ है, बट थाने इज आइडियल। बट थाने के अगर समझे ईस्टर्न सबर्ब्स में ये मुरुंड और कांजूर मार्ग वगैरह में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कुछ ऑप्शंस। अदरवाइज कनेक्टिविटी में मेरे हिसाब से वेस्टर्न से ज्यादा ईस्टर्न सबर्ब्स पवई में ज्यादा सूटेबल है। एंड आई थिंक आशीष जी सेकंड सेल्स में भी जाएंगे तो इनको तो मतलब तुरंत भी मिल सकता है 2500, इट्स अ हैंडसम बजट फॉर 3 BHK या 2 BHK 700 स्क्वायर फीट की अगर हम बात करें तो। सॉरी आई मिस्ड, आपने क्या बोला जी? मैं कह रहा था सर कि मतलब इन्होंने कहा कि 2026 तक का टाइम है इनके पास, लेकिन 2.5 करोड़ का जो बजट रख रहे हैं और करीब 700-800 स्क्वायर फीट के आसपास की ही प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो आई थिंक ये तो सेकंड सेल्स में इनको रेडी पोजीशन में भी कुछ मिल सकता है। देखिए आज की डेट में अगर किसी को रेडी पोजीशन चाहिए तो वो तो सेकेंड सेल में ही मिलने वाला है, अनलाइकली कोई यूनिट डेवलपर्स ने होल्ड किए हुए रेडी प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो सेकेंडरी के अंदर अगर ये कुछ ओल्ड प्रोजेक्ट्स हो थाने के अंदर, सॉरी पवई के अंदर, मे बी उसके अंदर इनको यूनिट मिल जाए, पर फिर वो उतना अल्ट्रा लग्जरी मॉडर्निश फील नहीं होगी बिल्डिंग की मे बी। पर उस बजट में इनको वेस्टर्न सबर्ब का तो नहीं मैं बोल सकता, बट वेस्टर्न सबर्ब में एक्चुअली थोड़ा दूर है जैसे कि कांदीवली एंड ऑल, पर यही जो मैंने एरियाज बोले कांजूरमार्ग मुलुंड एंड थाने, यू नो इन एरियाज में डेफिनेटली इनको कोई ना कोई ऑप्शंस मिल जाएंगे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में मिल जाएंगे जो रिसेंटली कंप्लीट हुए हों, पिछले एक साल में कंप्लीट हुए हों, उसके अंदर कई इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं, तो इस तरह के अवेलेबिलिटीज होनी चाहिए। राइट, तो विशाल भाई बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठाणे की बात की तो वहाँ काफ़ी ऑप्शन जैसा कह रहे हैं कि एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको अच्छा मिल जाएगा, इसके अलावा मुलुंड हो गया, तो ये सारे हैं जो आपको क्लोज टू इन विसिनिटी विद पवई रहेंगे। तो 2.5 करोड़ इज द हैंडसम बजट अगेंस्ट से, जहाँ पर आपको 600-700 स्क्वायर फीट के बीच का 2 BHK तो मिल ही जाएगा, चाहे आप अंडर कंस्ट्रक्शन देखें, चाहे आप रेडी टू मूव इन देखें, या फिर कोई सेकंड सेल का ऑप्शन अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए तो। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक के बाद कुछ और सवाल रहेंगे जिनके जवाब हम आशीष जी से लेंगे।
जैसे कि आप देख सकते हो कि भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ। वो आपकी आंखों को हर जगह अपनी बेटी नजर आती है, पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। कैसे भी हो वापस लाएगा वो, भरोसा रख। माँ, मैंने कहा था ना कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वार्ड रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। देखा, चाहे दो देशों का संघर्ष हो या कोई आपदा, जो रक्षा करे हमारी सात समंदर पार, वो है हमारा परिवार। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। मेरा भारत, मेरा परिवार। दस लाख की लॉटरी मुझे, फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। भारत इज राइजिंग। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। $5 trillion इकोनॉमी की ओर सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का मार्गदर्शक, दुनिया के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने का संकल्प, वर्ल्ड लीडर्स के लिए उम्मीदों का केंद्र, ये संकेत है एक नई शक्ति के उदय का। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च। वेलकम बैक, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। हम लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं आशीष जी के साथ। तो चलिए, अब वक्त थोड़ा कम बचा है, संजय भटीजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नई दिल्ली से कॉल कर रहे हैं हमें। संजय जी बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आप बताइए। नमस्कार जी, मेरा सवाल पूना में विमान नगर के ऊपर है, शुभ गेटवे में मैंने एक 4-bedroom बुक किया था जुलाई में जी, और उन्होंने बड़ा अश्योरेंस दिया था कि 31 दिसंबर तक दे देंगे। मेरा रेंटल इनकम का एम था, अब पोजीशन अभी तक मिला नहीं है, कहते हैं अभी भी 1-2 महीने शायद और लग जाएंगे। तो मैं पूछ रहा था कि क्या इसमें बेच दूं आगे फायदा है, कि रेंटल इनकम के लिए अभी वेट करूं पोजीशन के लिए, और क्या कोई कंपनसेशन देगा बिल्डर डीले का। अच्छा ठीक है, तो आशीष जी 2-3 सवाल है संजय जी के, क्या करना चाहिए। विपिन जी, कॉम्पेंसेशन की बात तो तब आती है जब रेरा टाइमलाइन से अगर हम आगे गए हों, तो वो हमें चेक करना होगा कि क्या प्रोजेक्ट रेरा टाइमलाइंस को ब्रीच कर गए। सेकेंडली, शुभ गेटवे काफी अच्छा, वेरी वेल लोकेटेड प्रोजेक्ट, जो लोग कनेक्टिविटी को बहुत वैल्यू देते हैं, मतलब एयरपोर्ट से आप वॉकिंग किसी भी शहर में शायद नहीं आ सकते, सिर्फ पूना में ही आ सकते हैं कि आप टर्मिनल से निकले और विमान नगर में आ जाए। और विमान नगर में शुभ गेटवे की लोकेशन ऐसे है कि एयरपोर्ट से हार्डली कुछ भी डिस्टेंस है इसका, तो यही इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट रहा है। और मतलब मैं पुणे ट्रैवल करता हूँ तो प्रोजेक्ट सामने एयरपोर्ट के बाद आ जाता है, तो इसी कारण इनका जो मेन एम है रेंटल इनकम का, इनको काफी अच्छी रेंटल इनकम डायरेक्ट टेनेंसी से भी आ सकती है, या ये इसको सर्विस रेजिडेंसेस की तरह भी यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। और जो मेरे को मैंने जो पता किया उसके हिसाब से वहां पे इस तरह के फ्लैट्स भी हैं जो एयरबीएनबी या इस पे रेंट पे दिए जाते हैं शॉर्ट स्टेज वगैरह के लिए। तो कभी कभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एक सर्टेन गोल के हिसाब से, वो गोल थोड़ा डिले हो जाता है, तो अनलेस एंड अंटिल इनके पास इमीडिएट रिक्वायरमेंट है पैसे की या इमीडिएट कुछ और एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं, नहीं तो पूना की डिमांड तो आपको हम सब डिस्कस करते हैं कि पूना की डिमांड काफी अच्छी है और लोकेशन के हिसाब से इस प्रोजेक्ट की डिमांड शायद हमेशा ही बनी रहेगी, अनलेस एंड अंटिल पूना का एयरपोर्ट कहीं और चला जाए, जो डिस्कशन होता है लेकिन अभी तक उस पर कोई काम हुआ नहीं। तो मेरे हिसाब से इन्होंने एक अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है और उसकी वैल्यूएशन भी काफी अच्छी
राइज हुई है लास्ट 1-2 सालों में, तो इनको बने रहना चाहिए। बाकी डेवलपर से बात करनी चाहिए कि क्या है पोजेशन का क्या, क्योंकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग आई थिंक पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो है वो ऑक्यूपाई भी हो चुका है। ठीक है, तो संजय जी अब पहले तो बधाई, चलिए आशीष जी ने जो बताया तो आपने एक अच्छी जगह पे ही निवेश किया है और इसके काफ़ी प्लस पॉइंट हैं, लोकेशन बढ़िया है और साथ में वहाँ पर आपको एक अच्छी हैंडसम रेंटल इनकम मिल सकती है। आप इसे एयरबीएनबी या सर्विस अपार्टमेंट के तौर पे भी लगा सकते हैं, तो कई मल्टीपल इसके फ़ायदे हैं, तो आई थिंक रखना चाहिए आपको ये। और जहाँ तक डिले की बात है, थोड़ा आपको चेक कर लीजिए और सही है वो बात कि अगर वो रेरा टाइमलाइन ब्रीच हुई है तो फिर तो शायद बहुत सारे लोग होंगे जो ये उम्मीद कर रहे होंगे रेरा भी इसमें इंटरफेयर कर सकता है, तो आप भी उसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और थोड़े वक्त में आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, तो ये प्रॉपर्टी एक बेहतरीन प्रॉपर्टी साबित हो सकती है आपके लिए भी। तो फिलहाल जल्दबाजी ना करें, थोड़ा देख लें, समझ लें और फिर इसका फ़ायदा उठाएँ जो आपने निवेश किया है। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अब आप सभी दर्शकों से इजाज़त लें, और जाने से पहले आशीष जी हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने वक्त निकाला, आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और हमसे ढेर सारी बातें भी की, तो थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम पर ज्वाइन करने के लिए। और आप सभी दर्शकों का भी ढेर सारा शुक्रिया, आप हर हफ्ते इतने ध्यान से हमें सुनते हैं, हमें अपने सवाल भेजते हैं, हमें खत लिखते हैं, हमें मेल्स करते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, उन सब के लिए धन्यवाद। बस करते रहिए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके उन सवालों के जवाब बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से दें, ताकि आप अपने इस डिसीजन को जो कि सबसे बड़ा होता है जीवन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छी तरह ले पाएं। तो चलिए इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपका इंतजार रहेगा आपके सवालों का और साथ ही इस कार्यक्रम का भी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।